आज हम टाटा के बारे में जानेंगे बेहतरीन स्टाइल से। तीन दोस्त थे, सत्यम, शिवम और रिबू। ये तीनों साथ जा रहे थे तभी रिबू ने बोला, अरे अरे सत्यम, सत्यम, मेरे कॉलेज में टाटा टाटा स्टील आ रही है, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। तभी सत्यम बोला, हाँ मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, मैं तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूँगा। तभी शिवम बोला, मुझको भी सुननी है, मैं भी सुनना चाहूँगा। सत्यम बोला, ठीक है तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। टाटा की नींव रखी थी जमशेदजी टाटा ने 1868 में। अब आगे सुनो, जमशेदजी टाटा थे वो एक इंटरप्रेन्योर थे, यानी उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा था मार्केट से हटके, और वो 3 मार्च 1839 में नवसरी यानी एक शहर है साउथ गुजरात का पैदा हुए थे। शिवम बोला, अच्छा तो एक गुजराती थे। तो गुजराती से क्या मतलब छे? शिवम बोला, क्योंकि इंडिया में जो फेमस या बॉर्न बिजनेसमैन जो पैदा होते हैं वो गुजरात और पंजाब से ही पैदा होते हैं। तभी सत्यम बोला, एक ताली तो बनती है बॉस। आगे बता, टाटा के बारे में सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। तो सत्यम बोला, ठीक आगे सुन, जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा की शुरुआत करी थी। यह टाटा का लोगो है। सत्यम बोला, आगे सुन, 1902 में टाटा ने इंडियन होटल कंपनी में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने होटल बनाने शुरू कर दिए जिसमें से दो फेमस होटल हैं, द ताज होटल प्लेस एंड टावर। जमशेदजी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को हो गई थी, लेकिन तब तक टाटा का नाम बहुत जगह छा चुका। शिवम बोला, लेकिन एक बात बता, टाटा की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं? सत्यम बोला, टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो 100 कंपनी को कैरी करती है, यानी उसके क्लासिफिकेशन 100 कंपनी, जिनमें से 23 कंपनी बहुत ही फेमस हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, होटल्स, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, ये बहुत फेमस हैं। मुझे टाटा स्टील के बारे में भी पता कि इनके नेटवर्थ यानी कि इनकी इतनी इनकम कितनी है। सत्यम बोला, टाटा की साल की जो इनकम है वो 100 बिलियंस यानी इंडियन करोड़ में 7 लाख करोड़। तो शिवम बोला, ओ इतने पैसे। रिवराज बोला, अब टाटा का हेड कौन है? तो सत्यम बोला, अच्छा सवाल है, रतन टाटा प्रेजेंट हेड है टाटा इंटरप्राइजेस के, अब उनके अंडर में ही सारा काम चलता है। सत्यम बोला, रतन टाटा इस टाइम के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी नेटवर्थ है 830 मिलियंस डॉलर। सत्यम बोला, अरे मैं टाटा स्टील के बारे में तो बताना ही भूल गया। तो रिवराज बोला, कोई नहीं अब पता। तो सत्यम बोला, टाटा की एक क्लासिफिकेशन है टाटा स्टील, इसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र में है, और इसका जो मेन मार्केटिंग हेडक्वार्टर है कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल। रिबुराज बोला, इसका सिंबल क्या है? तो शिवम बोला, अच्छा तो ये है टाटा स्टील का सिंबल। तो सत्यम बोला, ये 50 से ज़्यादा कंट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करती है, जिसमें से 26 कंट्री मेन हैं, जो है इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें काम होता है। टाटा स्टील का काम क्या होता है? तो सत्यम बोला, टाटा स्टील कस्टमर को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन में, कंज्यूमर गुड में, इंजीनियरिंग पैकेजिंग में, लिफ्टिंग में, एनर्जी, पावर, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, रेल, डिफेंस, बहुत सारी चीज़ों में ये अपने योगदान देती है। यह स्टील पाइप्स की कुछ फोटोज हैं। तो रिवराज बोला, तो टाटा स्टील के तो कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होंगे जब वो इतनी बड़ी कंपनी। सत्यम बोला, हाँ बिल्कुल बहुत सारे हैं, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील, वीजा स्टील, सेल, एयरसेल, एयरसेल, बहुत सारे हैं। इनमें से जिंदल स्टील, JSW, ये दोनों टाटा के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा तो शिवम बोला, अच्छा तो ये सिंबल हैं जिंदल स्टील और JSW स्टील के? सत्यम ने कहा, हाँ ये सिंबल हैं उन दोनों के। फिर रिवराज बोला, मुझे और लोगों दिखाओ ना टाटा के क्लासिफिकेशंस के।
तो ठीक, ये देख। रिवराज बोला, थैंक यू सत्यम। सत्यम बोला, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है, जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें बताया। शिवम बोला, आज तो मज़ा ही आ गया। और ये तीनों हंसते हुए खेलते हुए घर को चले गए। मुझे बताओ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।